खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भीकनगांव, खरगोन जिले के भीकनगांव में शनिवार दोपहर इगरिया गांव के मृतक रघुनाथ के रिश्तेदार व समाजजनों ने 6 घंटे शव रखकर भीकनगांव पुलिस थाने पर हंगामा किया। मृतक रघुनाथ के परिजनों ने बताया कि 1.5 माह पूर्व सुखदेव पिता, दंदू की पत्नी और 6 बच्चों की माँ दुलारी बाई ग्राम उदयपुर तहसील झिरनिया से संजय पिता भागीरथ निवासी दाबड़ के साथ भाग कर रहने लगी थी। सुखदेव को यह बात मालूम पड़ी कि उसकी पत्नी दुलारी बाई संजय के साथ दाबड़ में रह रही थी। तब वह अपने रिश्तेदारों के साथ बात करने दाबड़ पहुंचा। वहां संजय और सुखदेव के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि सुखदेव के काका रघुनाथ पिता नवल ग्राम इगरिया को लठ से वार कर दिया, जिससे सिर में चोट आने से उसकी मौत मौके पर ही मृत्यु हो गई। झगड़े में अन्य रिश्तेदारों को हाथ पैरों में चोट आई। जब सुखदेव अपने काका की मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कराने बेड़िया थाने पर गया तो पुलिस ने संजय पर प्रकरण दर्ज कर लिया एवं अन्य साथियों पर कार्यवाही नहीं होने से मृतक रघुनाथ के परिजनों को संतुष्टि नहीं हुई। संजय के अन्य साथियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से मृतक रघुनाथ के रिश्तेदार व समाजजन शनिवार को भीकनगांव पुलिस थाने पहुंचकर मृतक रघुनाथ का शव थाना परिसर में रखकर आरोपी संजय के अन्य साथियों की गिरफ्तारी एवं IPC की धारा 307 को हटाकर धारा 302 स्थापित करने की मांग की। नवागत थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया ने मृतक के परिवारजनों को आवेदन लेकर प्राप्ति देकर उन्हें समझाइश दी और कहा कि आप लोग जाकर मृतक का अंतिम संस्कार करें। मैं उचित कार्यवाही के लिए आवेदन जिलाधिकारी महोदय पुलिस को भेज रहा हूं। आप निश्चित रहें, बार बार समझाने के बाद भी मृतक के परिजन तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर करीब 6 घंटे भीकनगांव थाने पर शव को रखकर बैठे रहे। रात्रि 9 बजे भीकनगांव SDOP राजाराम आवासिया थाने पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया कि संजय के अन्य साथियों पर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुजरिम चाहे जो भी हो, मामले की गंभीरता से जांच कर कार्यवाही की जाएगी, तब जाकर SDOP आवासिया की बात को मानकर मृतक रघुनाथ के परिजन व समाजजनों ने शव रात्रि 9 बजे दाह संस्कार के लिए अपने गृह ग्राम इगरिया ले गए। आपके सामने उन्होंने मेरे सामने मारा साहब। और काहे से मारा उन्होंने? लठ से मारा। और कुंदन ने और उसके लड़के नहीं मारा? अरे वो नहीं थे, कम से कम 5-7 जो आने जिसके मन में आए उनने मारना, जिसके मन में आए उनने मारना। क्या नाम तुम्हारा? दंदू। तो आपके सामने लड़का मतलब लठ से मार खाते हुए मर गया? हाँ। अभी रिपोर्ट किसके नाम से लिखी है? संजू के नाम से रिपोर्ट भी ऐसी गलत लिखी कि जैसा हमारा भाई मर गया। वहाँ से थाने से उठा के हमको कहाँ भेजा? अस्पताल में। तो 5 आदमी थे तो 5ों को अस्पताल में उनने भेज दिया और ये अकेला छोरा था। और बोले वही पानी छिट गया, बोलेगा कि नहीं ये साला चाले कर रहा है। वहाँ थानेदार बोला, वहाँ थानेदार PI हेड साहब सब वही थे। इसलिए आप इसका दाह संस्कार करो बढ़िया। और जो आपने जो नाम दिए हैं वो बकायदा जुड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और नहीं जुड़े तो सर, जब आपने आवेदन दिया मैंने पावती दी ना आपको। आवेदन आप करोगे तो यहाँ से में आज एक प्रकरण में हत्या का प्रकरण हुआ और उन्होंने समाजजनों ने यहाँ आकर के भीकनगांव में थाने पर घेराव किया। क्या पूरा सब्जेक्ट था ये? ये चैनपुर थाने का एक गांव इगरिया गांव है, वहाँ से संजू नाम का व्यक्ति एक महिला को लेकर वो गया था। वहाँ किसी दरबार के यहाँ मजदूरी नौकर था, वो यहाँ से उस महिला को लेकर गया था। तो ये जो यहाँ के लोग हैं इगरिया के और उनके रिश्तेदार, वहाँ उस महिला को लेने के लिए आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए गए तो उनके दोनों पक्षों में वहाँ विवाद हो गया, मारपीट हुई। मारपीट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहाँ पर बेड़िया थाने में अपराध पंजीबद्ध भी हुआ है और वो अन्य और कोई लोगों की नाम बता रहे हैं। तो ये लोगों ने आके यहाँ थाने में मृतक की लाश थाने के सामने रख दी और उन्होंने मांग करी कि मुलजिमों को गिरफ्तार करो और इनके नाम ये है, एक आवेदन दिया है और कुछ मांगे रखी है। तो उनकी उनको समझाइश थी कि जो भी आपकी मांग है वो उसको हम कर देंगे और विवेचना पूरी करके
आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें और कोई नाम सामने आए हैं क्या सर? हाँ, दो चार के नाम बताए हैं, तो वो बयान देंगे, बयान लेने के लिए वो आएंगे, बयान देंगे, बयान में आएंगे तो उनके नाम प्रकरण में जोड़ दिए जाएंगे। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।